दोस्तों द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं कुमारी रानी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपका नाम? गुरमेल जी। हाँ जी। डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए आपको कितने साल हो चुके हैं? मेरे को 25 साल हो गए और मेरे मम्मी पापा को 40 साल हो चुके हैं जी। बहुत ही अच्छा हमने यहाँ से बहुत कुछ पाया है जी और आज भी हम बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ यहाँ पे आए। आज यहाँ पे क्या हो रहा है मैम? आज हमारे गुरु का जो स्थापना दिवस है 29 अप्रैल, उसके बारे में यहाँ पे जो प्रोग्राम किया जा रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है जी और बहुत पूरा रहने की संगत यहाँ पे आई है हमारी जी। मैम आपका क्वालिफिकेशन क्या है? MA क्वालिफिकेशन जी। आप MA करके बैठे हुए हैं और आपने मतलब आपने इतना ऊंचे लेवल का मतलब पढ़ाई आपने करने के बाद में इस संस्था से जुड़ने के बाद में आपको क्या कुछ मिला है? हर चीज़ यहीं से, जो भी आगे का गाइडलाइन है यहीं से मिली है मेरे को, क्योंकि मैं पहले बिल्कुल पागल हो चुकी थी, मेरे को कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, लेकिन गुरु जी के माध्यम से जब मैंने नामदान की प्राप्ति की तब से मेरा माइंड बिल्कुल सेट है और हर दिन कोई ना कोई नई वो अचीवमेंट ले रही हूँ और आज मैं वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ कोच के रूप में काम कर रही हूँ जी। मैम आपने कहा कि डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने के बाद में आप एक हेल्थ कोच हैं, तो आप लोगों को किस तरीके की शिक्षा देती हैं? जैसे कि गुरु जी शिक्षा देते हैं, हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी टिप्स देते हैं, तो आप कहते हैं कि मेरे गुरु जी का दिया हुआ ही आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ, तो समाज को क्या बताना चाहते हैं आप? मैं यही कहूँगी कि डेरा सच्चा सौदा एक बहुत ही बड़ी मिसाल है और आज लोगों को हर बुलंदियों को छूने के लिए जो जो उनका कारनामे है, काम करने का तरीका है, हर तरह के लोग यहाँ पे अपने अपने हिसाब से आते हैं और अपने अपनी अचीवमेंट के हिसाब से यहाँ पे सेवा भावना से अपना कार्य पूरा करते हैं। मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि जो आज हम इस प्रोग्राम में आके अपना एक योगदान दें जी। मैम यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में किस तरीके की धार्मिक शिक्षा दी जाती है? यहाँ पे जैसे बहन माताओं के लिए बहुत ही सुरक्षित स्थान है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है जो एक मीडिया के द्वारा गलत चीज़ें दिखाई जाती है। हम पूरी सेफ्टी 22 साल से मैं परमानेंट रह रही हूँ, आज तक मैंने कोई भी ऐसा चीज़ नहीं देखी डेरा सच्चा सौदा में कि कोई भी मेरे को गलत पॉइंट लगा हो जी। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि अगर किसी की माता बहनों को ऐसे लगता है कि वहाँ पे जाके खुद देखे कि क्या चीज़ है और क्या नहीं, तो क्योंकि हम पूरे परिवार 40-45 सालों से इस डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं और हर खुशी का हमारा जो मेन श्रेय जाता है डेरा सच्चा सौदा को जाती है। आप एक महिला हैं, महिला के रूप में आप डेरा सच्चा सौदा में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत ही अच्छा मैम, इतनी घर में सेफ्टी नहीं होती जितनी डेरा सच्चा सौदा के अंदर सेफ्टी है। बहन भाइयों का बिल्कुल अलग अलग अरेंजमेंट किया गया है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि 1% भी कोई भी गलत कार्य डेरा सच्चा सौदा के अंदर है। आज धर्म को लेकर डेरा सच्चा सौदा के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी की जा रही है मीडिया के अंदर, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये सब गलत है मैम, जो भी मीडिया के अंदर दिखाया जाता है, अगर कुछ भी सच्चाई देखनी है तो डेरा सच्चा सौदा के अंदर स्वयं आए और सारा कुछ ओपन है, कोई भी किसी से छुपाया नहीं जाता, हर चीज़ के बारे में गाइडलाइन दी जाती है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम किसी धर्म के बारे में गलत बोलना सिखाया जाता है। हमें वहाँ पर चारों धर्मों का संगम होता है और सब धर्मों का आदर सत्कार किया जाता है जी। आज सरकार से आप क्या अपील करेंगे गुरुजी को लेकर? हम यही कहेंगे कि जो भी हमारे संविधान के अनुसार आज तक डेरा सच्चा सौदा में एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो संविधान के उल्लंघना के ऊपर हुआ हो, हर काम संविधान के अनुसार ही किया जा रहा है और हम चाहेंगे कि हमारे गुरुजी के ऊपर जो भी ये गलत अंजाम लगाए गए हैं ये सरासर गलत है। हम पूरे दावे से ठोक के कह सकते हैं कि हमारे गुरुजी सच्चे हैं और सच्चे ही रहेंगे, सच्चाई का साथ हमेशा देते रहेंगे जी। धन्यवाद मैम आपका। तो जैसे कि देखा आपने, आज भी समाज में लड़की उसी तरीके से लड़कियों की सुरक्षा को लेकर जो बहुत बड़ी टिप्पणी की गई थी, बहुत बड़ा प्रश्न किया गया था, उसको बताते हुए जनता अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचा रही है कि समाज में जितने लोग सुरक्षित और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं उससे कहीं ज़्यादा डेरा सच्चा सौदा में सुरक्षित महसूस करती हैं और समाज में उसी तरीके से गुरु जी की ज़रूरत है जैसे कि कल थी। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। Subscribe to our channel and press the bell icon.